सेंसेक्स का लुढ़कने के बाद रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि 67 रुपए से फिसलता 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 रात को 68.89 पर आकर खड़ा हो गया। कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था क्योंकि हर आधे घंटे बाद 10 पैसे गिर जाते थे, 50 पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 80 रुपए के स्तर को छू रहा है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर रुपए के मूल्य में गिरावट को लेकर बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज का एक पुराना भाषण जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोकसभा में बहस के दौरान सुषमा क्या कहती हैं, वीडियो में सुनिए। कल सेंसेक्स का लुढ़कने के बाद रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि 67 रुपए से फिसलता 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 रात को 68.89 पर आकर खड़ा हो गया। कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था क्योंकि हर आधे घंटे बाद 10 पैसे गिर जाते थे, 50 पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे। और मुझे दुख है इस बात का कि वित्त मंत्री जी ने बोलते हुए जो कारण बताया वो कारण में निष्कर्ष उनका ये था कि चूंकि पॉलिटी डिवाइडेड है इसलिए अर्थव्यवस्था की हालत हुई है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप विपक्ष पर डिविजन लगाने से पहले जरा अपने घर की तरफ देखिए। कारण यह है कि सरकार अपनी अर्थनीति पर एकमत नहीं है, सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ भी एकमत नहीं है। बहुत सी चीजें जहां विपक्ष ने सहमति दी है करने की वो भी वो इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि कैबिनेट से उनको निकाल नहीं पाती है। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि उन्होंने बहुत गुप्त तरीके से ही सही, लेकिन ज्यादातर आरोप उन्होंने अपने पूर्व अधिकारी पर लगाया, अपने पूर्व वित्त मंत्री पर लगाया जो इस समय महामहिम राष्ट्रपति बनकर के बैठे हैं। किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी से वो बरी होना चाहते थे। ये भी इस सरकार की एक चाल है कि हमेशा अगर प्रधानमंत्री हो तो वो कहेंगे कि राजा जिम्मेदार है, महंगाई के लिए शरद पवार जिम्मेदार है। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हश्र होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री जाने जाने वाले, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा रिविलेशन इस देश में अगर आज कोई हुआ है तो वो ये कि जो डॉक्टर्स किए हुए इकोनॉमिक्स में, जो पीएचडी लिए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, वो लोग इस देश की इकोनॉमी और इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से इस सदन में वक्त भी चाहिए। प्रधानमंत्री आए और बताए कि ये रुपया जिस तरह से गिर रहा है क्या ये गिरना रुकेगा, अगर रुकेगा तो उन्होंने क्या उपाय इसके लिए सोचे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री आए और इसके ऊपर सदन में वक्तव्य दें। धन्यवाद। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज के 2:37 के इस वीडियो को बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर 29 अगस्त 2013 को अपलोड किया गया था, लेकिन अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के स्तर को छू रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग मोदी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।